साथी 1987 से लेकर आज तक चाहे पार्टी का नाम कोई रहा, चौधरी देवीलाल जी के भगतगढ़ हर वर्ष एक ऐतिहासिक स्वरूप में उनके जन्म दिवस को मनाने का काम करते, और आज भी उसी उद्देश्य के साथ ये आप सबकी जिम्मेवारी है कि आज की इस बैठक के पास आपके पास लगभग 28 दिन का समय बाकी, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के एक एक व्यक्ति तक एक एक घर तक जाकर लोगों को निमंत्रण दो, और क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बीच का ये रैली है, इस जन सम्मान दिवस को एक ऐसा ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम करो कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की एक मजबूत नींव के साथ साथ एक ऐसी लहर 25 सितंबर चलाने का काम करे कि जो बीजेपी 4 सीटों से आज 47 पहुंच गई, और घमंड दिन प्रतिदिन ऐसा बढ़ता जा रहा है कि ये 75 पार की बात करने लगे, थोड़े से कड़े हो जाओ, आपके दोनों संगठनों में तो वो ताकत है कि अगर कड़े हो गए तो इस बीजेपी को 47 से 75 भी वापिस 4 पे लाकर छोड़ने का काम। चंद्रगढ़ जी भी 50 गाड़ियों के साथ अपने काबिले के साथ महम पहुंचेगी, हम महजा स्वागत। बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष राष्ट्र नरेंद्र वर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद जिला जिले के चारों हल्कों के आज यहाँ पर आए मुख्य कार्यकर्ता साथियों, पहले तो मेरे से खूब वक्ताओं ने मुख्य धारा में आपका अपने सम्मान के तौर पर लाना, और इसलिए आपके गठबंधन का यह निर्णय है प्रदेश में राज बनने पर हमारे बुजुर्गों को 58 साल की भी कर्मचारी जब 58 पे भी रिटायर हो सकता है तो एक किसान को 60 तक इंतजार, एक मजदूर को, एक गरीब आदमी को 60 तक इंतजार करने की जरूरत क्यों है। और ये वादा आपको करते हैं कि फिर जब आपका प्रदेश में राज होगा, आपकी सत्ता होगी, तो बुजुर्गों को 58 साल, महिलाओं को 55 साल 1970 की तरह घर बैठे पेंशन की व्यवस्था आपकी पार्टी महिला करते की बात। 9 दिसंबर को जब आपकी पार्टी का निर्माण हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा यदि आपने कर्ज माफी की तो बात करती, पर केवल किसान किसान का करोगे। हमने कहा किसान की बात नहीं, आज दूधिया हो, परचून की दुकान वाला हो, छोटा दुकानदार हो, गरीब हो, मजदूर हो, आज सबके ऊपर कर्ज है, किसी पे 20,000 का, किसी पे 30,000 का। ये वादा आपका कि हरियाणा प्रदेश में राज बनने के बाद पहली कलम से सरकारी तौर पर जितना भी कर्जा है जो मेरे वर्ग का उसको पूरी तौर पर माफ करने का काम आपका। अनेकों चीजें और दुख होता है साझा करते हुए कि वो 67-70 SDO के अंदर आपको पता है हरियाणा डोमिसाइल के कितने हैं, सोच सकते हो उसमें 70 भी लगे हो तो 70 में हरियाणा के कितने, 5 बोल रहे हो और सिर्फ 2। आप खुद सोचो कि नौकरी धारी पर उसके ऊपर अधिकार आज उन्होंने करना शुरू कर दिया। पर यह वादा है राज बना दोगे तो गुड़गांव की जो 17 लाख नौकरियां, 3 लाख आपका हिस्सा है, जिस दिन राज बनेगा अगर 75% अधिकार बनेगा तो उन 17 लाख नौकरियों में से 14 लाख नौकरी अगर होगी तो धारी बच्चों की होगी। बुजुर्ग युवा साथियों, और ये ईमानदार नहीं है बीजेपी की सरकार कोई कहती है नौकरी में ईमानदारी है, जुडिशरी का पहला पेपर लीक हुआ तो इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। आज अगर हम बात करें नायब तहसीलदार की, लिस्ट आउट कर दिया आनंद फानंद, नायब तहसीलदार का पेपर रेवाड़ी में 2.5 लाख में बिका, FIR दर्ज हुई, लोग अरेस्ट हुए, और उस यात्रा का नाम है आशीर्वाद यात्रा। कोई पूछने का काम करे या तो खट्टर साहब को चोड़ा पहनने की तैयारी में है, बाबा बढ़ने की तैयारी में है, जो लोगों को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, और अगर जनता से आशीर्वाद लेने की बात करते हैं तो ये पहला आदमी देखा तो जनता को नीचे खड़ा होकर 20 फुट ऊंचाई पर रथ पे खड़ा होकर आशीर्वाद लेने की बात करते। पर आशीर्वाद किस चीज का, हरियाणा प्रदेश को 3 बार जलाने का,
हजारों युवाओं को बेरोजगार करने का, आशीर्वाद 80 लोगों की जान लेने का, या इन रिवाड़ी दादरी महेंद्रगढ़ की खदानों से 5,000 करोड़ रुपए की खदान लूटने, बिजली के मीटर पे 100 करोड़ का घोटाला करने का, या एससी एसटी युवा छात्रों की छात्रवृत्ति में पैसा खाने, और बेईमानी देखो अखबार में इंटरव्यू देते और कहते हाँ घोटाले हुए, मैंने दबड़े तो नहीं दिए। अरे दबड़े आपने नहीं खत्र साहब, वो पोल तो हमने खोली, चाहे वो मेडिकल घोटाला हो, चाहे वो फेक टिकटिंग घोटाला, उसकी जनता को बताने का काम किया कि जैसे हमारे कहावत है ना, शुद्ध छिपकली माचर घने खावे, उस तरीके से सूखा बनकर इस प्रदेश को लूट खाने का, लोगों को मरवाने का काम आपकी सरकार ने। बुजुर्ग युवा साथियों, आज तो मेरे को एक मौका मिला है, मौका सुनहरा, और वो मौका आपके हाथ में। आप लोग जिस तरीके से मेहनत करोगे, जिस उद्देश्य के साथ काम करोगे, तभी जाके उस मौके को काम करो। मैं तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस प्रदेश की जनता बदलाव चाहती, और दिन प्रतिदिन एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लोग परिवर्तन चाह रहे, पर वो इंतजार भी कर रहे कि कब हम लोग एक्टिवली मैदान में हो। और कड़वी सच्चाई है, अभी एक्टिव नहीं हुए, जोश तो आ गया गठबंधन के बाद भी, एक और एक, एक जमा में एक दो नहीं, एक और एक साथ खड़े होंगे तब क्या मैदान में नहीं उतारे, पीठ मनाकर घर घर जाकर वोटों की अपील नहीं करेंगे। साथियों ये भूल जाओ कि भवानी खेड़ा तो शाम बिगाड़ी लारू किसके हिस्से में आएगी, चाहे हाथी आए, चाहे चापी आए, चाहे बसपा आए, चाहे जेजेपी आए, ये दिमाग से निकाल लो और एक लक्ष्य के साथ दोनों संगठन मैदान में उतर के काम करो कि हमने जो संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने, स्वर्गीय काशीराम जी ने किया था, जिस मेहनत लगन के साथ हर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और बहन कुमारी मायावती जी को आप लोग प्यार करते, आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उनकी सोच को आगे ले जाते हुए प्रदेश के अंदर कमेरे के हाथ में ताकत देकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का। और इसके लिए जो आपकी बातें घोषणाएं आज युवा साथी खड़े, मैं देख रहा था एक कार्टून आई थी अखबार, मुख्यमंत्री कहता है अगले 5 साल में मैं बेरोजगारी हटा दूंगा। खट्टर साहब, जनता ने 5 साल दे दी, घटाना तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में आपने बेरोजगारी को बढ़ाने का काम, पढ़े लिखे युवा साथियों को दर दर की ठोकरे खाने का आपने मजबूरी व सबसर, आज ढोल पीटते हमने ग्रुप बी में 17,000 लगा दिए, ग्रुप बी में 17,000 लगा दिए। साथियों की सरकार के सामने अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है, बदलाव की निशानी, तो बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है। जिस प्रकार से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड मामला आज का नहीं, 2005 में घोटाला हुआ था, जहाँ 1983 के रेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद हस्ताक्षर कर 2005 में जमीन दी थी, करोड़ों का फायदा एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को दिया। मैंने तो मामला पार्लियामेंट में भी उठाया था, देर आए दुरुस्त है, आज 5 साल बाद भी कोई कदम उठाए तो सराहनीय है। अगर प्रदेश को रेवेन्यू लॉस हुआ है, प्रदेश की जनता के पैसों को लूटा जाए, तो कड़े एक्शन होने चाहिए। और मैं तो मानता हूँ सिटिंग एमएलए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जितने भी मामले हैं उनको डे टू डे हेयरिंग पर ले जाया जाए, तो क्यों इसमें लंबी तारीखें दी जा रही। आज तो सरकार को मामला एक्सपेडाइट कराना है, और ये तो बड़ा मामला नहीं, 4 इसके अंदर गवाह है, तुरंत प्रभाव से इस मामले को निपटाने का काम बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया। इस बार का सम्मान दिवस जन सम्मान दिवस के तौर पर 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी ने बनाया गया, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी उस दौरान है। मैं ये मानता हूँ कि देश का सबसे बड़ा
दिवस किसी दिन मनाया जाएगा तो इस बार जन सम्मान दिवस, और ये आप मानकर चलो कि जन सम्मान दिवस मैम की धरती से जहाँ राजनीतिक आगाज तो करेगा, तो राजनीतिक तौर पर हरियाणा प्रदेश में एक बड़े बदलाव की निशानी। दुष्यंत जी, जो गठबंधन सैनी के मंचों पर भी सुनाई देते थे बसपा नेताओं की, यही भाषण जो है अभी सुनाई देते हैं, यही भाषण इनेलो के मंचों पर प्रचारिता करते हुए एक दशक से ऊपर का समय, पर पहली बार है कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश की तरफ गठबंधन कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से एक और एक 11 होते हैं जब साथ खड़े हो जाए, ये गठबंधन भी मजबूती के साथ आम जन के बीच जाए किसान और कमेरे की लड़ाई लड़े, और जिस तरीके से आज लोग बीजेपी से पेंडा छुड़ाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, अपने आप में एक ताकत को ये दर्शाएगा भी एक बदलाव की मजबूत नींव। बादल साहब ने जो है भी प्रयास किए थे, जो जिस तरह की चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के जरिए कि इनेलो और जजपा एक बार फिर से एक हो सकते हैं, कितना दम है परिवार के आदरणीय है, जो बात उनने रखी उनकी भावनाएं थी। अगर उससे पहले हम कुछ गए, जिन लोगों ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया उनने उसको विराम लगाया, मेरा बोलना तो उसके ऊपर वैसे ही जायज नहीं, और ये फैसला कोई मेरा नहीं, एक अकेले व्यक्ति का राजनीतिक तौर पर जब नई शुरुआत हो जाती है तो ये संगठन का निर्णय होता है, और मैं ये मानता हूँ आज हमारे संगठन का निर्णय है बसपा के साथ मिलकर लड़ना और मजबूती के साथ बसपा के साथ इस लड़ाई को लड़ना। उससे पहले आपके बीच में वितरण भी और कौन कौन सी सीट पे कौन कौन लड़े वो सारी बात, बीजेपी का लड़ाई 75 पार, 75 पार किस चीज, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को गोलियों से मारने, बेरोजगारी की संख्या बढ़ाने में, घोटाले करने में। मैं ये मानता हूँ मुख्यमंत्री जितने सूधे दिखते हैं 75 तो घोटाले उनकी सरकार में हुए, जहाँ SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति तक लोगों ने खा ली, इसके ऊपर तो एक कहावत सेट बैठती है सूधी छिपकी भी माचर गणे खा, पर जिस तरीके से 80 लोगों को उनने मरवाया और उसका 1% भी दुख उनको नहीं दिखा, और कल उनके सामने जहाँ एक युवक ने अपने आप को आग लगाने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री अपने रथ में बैठ कर करार हो लिया, ये दिखाता है युवक उनके संवेदनशील कितना उनको अपने प्रजा के प्रति अपनी जनता के प्रति भावनाएं और लगाव। अगर मुख्यमंत्री चाहते उसी तो हमें रथ से उतर कर उस व्यक्ति की जान बचाने का काम मुख्यमंत्री को करना।